हाय एवरीवन, आज हम एसएससी एमटीएस के सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं और जो भी रिलेटेड टर्म्स है लाइक ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रमोशंस कैसे होंगी, कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे, वो भी यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। तो जब भी कोई जॉब की नोटिफिकेशन आती है तो सैलरी पैकेज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली आपकी सैलरी नहीं मेंशन की गई होती है। वहाँ पर आपका ग्रेड पे लिखा होता है, लाइक 4200 ग्रेड पे, 1800 ग्रेड पे, या पे बैंड रहता है, पे बैंड 5200 to 20,200, कुछ इस तरीके से पे बैंड दिया गया था, या फिर लेवल्स दिए होते हैं लाइक लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 की जॉब है। तो कौन से लेवल की जॉब है और ये कितनी इसमें सैलरी होती है, ये कैसे समझा जाए, तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ श्योर कर सकती हूँ कि आप किसी भी पोस्ट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर सैलरी देखना चाहते हैं तो कैसे देखा जाए, ये चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो एसएससी एमटीएस की सैलरी पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही होगी। तो सबसे पहले आपको ये पे मैट्रिक्स का जो टेबल है ये समझ में आना चाहिए, इसी से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पोस्ट के सैलरी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो जो पहला आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सैलरी को समझने के लिए वो आपका पे बैंड होता है। तो पे बैंड आपका पहला और बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब या उसके पोस्ट के सैलरी को समझने के लिए। यहाँ पे 8 लेवल्स में डिवाइडेड है पे बैंड। पहला पे बैंड है आपका लेवल 1 टू लेवल 5 तक, दैट इज़ 5200 to 20,200। सेकेंड पे बैंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 लेवल है, लेवल 6, 7, 8, 9, और इसमें आपका पे बैंड है 9300 to 34,800। इसके बाद है आपका 3 लेवल में आपका थर्ड पे बैंड डिवाइड है, दैट इज़ 15,600 to 39,100। इसके बाद एंड सो ऑन आप देख सकते हैं। तो जो हाईएस्ट पे बैंड है वो लेवल 18 है जिसका 90,000 है। तो इस तरीके से आपका पे बैंड डिवाइडेड होता है। अब ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1800, 1900, 2000, 2400, 2800 ग्रेड पे दिया गया है। तो जब भी आप किसी भी जॉब के नोटिफिकेशन पे ग्रेड पे देखोगे तो उस बेसिस पे भी आप सैलरी देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस लेवल भी मेंशन किया गया है। लेवल बेसिकली आपका जो भी ग्रेड पे है उसको ही दूसरा नाम दिया गया है। लेवल 1 में आपका 1800 ग्रेड पे आता है, लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे आता है, इसी तरीके से आपका लेवल 14 में 10,000 ग्रेड पे आता है। तो आपको ग्रेड पे के बेसिस पे ही सैलरी मिलती है। अब ग्रेड पे 1800 की बात करें लेवल 1 की, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है। उसी तरीके से लेवल 2 में आपका 1900 ग्रेड पे है और इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होता है आपका 19,900। एमटीएस की जो लेवल है लेवल 1 है और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। आई होप बेसिक सैलरी आपको समझ में आ गई है। ये मिनिमम सैलरी होती है, इसके अलावा भी आपको मिलता है जो हम आपको बताएंगे। सो एसएससी एमटीएस के सैलरी को डिटेल में समझने से पहले उसके पोस्ट, ड्यूटी, वर्क को समझ लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें आपको एक से ज़्यादा काम करना होता है। ये ग्रुप सी नॉन टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। गाइस यहाँ पे दो एज ग्रुप दिया गया है, 18 to 25 and 18 to 27। तो आपकी जो भी वैकेंसी है वो इन एज ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो मोस्टली जो वैकेंसी है वो 18 to 25 एज ग्रुप के लिए ही है, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। ओके, वर्क की बात करें तो इसमें आपका फोटोकॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, जो भी ईमेल्स आ रहे हैं उसको प्रिंट करना, ये सारा काम आपका होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप जो भी फाइल मेंटेनेंस का काम होता है, फाइल कैरी करना होता है, आईटी क्वालिफिकेशंस है आपकी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी जो वर्क होते हैं वो आपको करने होते हैं। एंड जो आपके सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं वो भी आपको वर्क असाइन कर सकते हैं, तो वो भी आपको करना होता है, लाइक फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट ड्यूटी की बात करूँ तो 10 AM to 4 PM आपका काम होता है। एंड यहाँ पे वर्कलोड बहुत कम होता है, किसी और पोस्ट को अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है। चलिए सैलरी की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे कहा यह ग्रुप सी नॉन टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो जब आप एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन चेक करोगे तो वहाँ पे पे लेवल 1 एज़ पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन लिखा है। तो अगेन हम पे मैट्रिक्स पे चलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं एसएससी एमटीएस की बेसिक सैलरी कितनी है। तो जैसे कि आपका लेवल 1 है तो यहाँ पे लेवल 1 देख सकते हैं, लेवल 1 यानी कि आपका 1800 ग्रेड पे। अब यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 दिया गया है, तो मिनिमम आपकी सैलरी 18,000 होगी। अब जो भी आपका अलाउंसेस है या फिर जो भी पर्क्स है वो सारी चीज़ें ऐड करके आपकी कितनी
इन हैंड सैलरी होती है वो चलिए डिस्कस करते हैं। सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेवन पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपकी एसएससी एमटीएस की जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 to 22,000 होगी। हालांकि आपकी जो सैलरी है वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है लाइक लोकेशन अलाउंसेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं एक्स सिटी वाई सिटी एंड जेड सिटी की जो बेसिक सैलरी होती है वो सेम होती है बट आपकी जो इन हैंड सैलरी है उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं क्योंकि एक्स सिटी वाई सिटी एंड जेड सिटी की जो अलाउंसेस होती हैं वो वैरी करती है। एक्स सिटी में आपके जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं जो मार्केट एरिया में हैं यानी कि जो ज़्यादा डेवलप्ड है लाइक हैदराबाद दिल्ली अहमदाबाद बैंगलोर कोलकाता मुंबई जैसे सिटी आपके एक्स सिटी में आ जाते हैं। एंड वाई सिटी में आपका पटना चंडीगढ़ विजयवाड़ा या फिर गुवाहाटी भोपाल जैसे सिटी आ जाते हैं। एंड जेड सिटी में आपके जितने भी विलेजेस एंड टाउन्स हैं वो आ जाते हैं जो कि एक्स वाई सिटी में नहीं इंक्लूडेड होते हैं। सो एचआरए की बात करें दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस तो ये आपके एक्स वाई जेड सिटी पे डिपेंड करती है। जो रेट ऑफ एचआरए है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो एक्स सिटीज़ की जो एचआरए है वो 24% है आफ्टर सेवन पे कमीशन और ये जो 24% है वो आपकी बेसिक पे की होती है दैट मीन्स 18,000 आपका बेसिक पे है और इसका जो 24% होगा वो आपका एचआरए होगा और फिर ये आपके बेसिक पे के साथ ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वाई सिटीज़ की एचआरए 16% है एंड जेड सिटीज़ की 8% है। गाइस अगर आपका डीए 50% क्रॉस कर देता है तो आपकी जो एचआरए है वो 27% 18% एंड 9% एंड 100% डीए क्रॉस करने के बाद आपकी जो एचआरए है वो 30% 20% एंड 10% हो जाता है। नेक्स्ट डीए आपका ज़ीरो है दैट इज़ डियरेंस अलाउंसेस यानी कि आपका जो भी महंगाई अगर बढ़ रहा है उस बेसिस पे आपका डीए भी इंक्रीज़ होता है। डीए आपका साल में दो बार इंक्रीज़ होता है यानी कि दो बार रिवाइज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है टीए दैट इज़ ट्रेवल अलाउंसेस तो यहाँ पे एक्स सिटी के लिए 1350 रुपीज़ है वाई सिटी के लिए 900 रुपीज़ है और जेड सिटी के लिए 900 रुपीज़ है। नेक्स्ट है डीए ऑन टीए तो डीए आपका ज़ीरो है तो डीए ऑन टीए भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आप देखोगे 23,670 रुपीज़ है एक्स सिटी के लिए वाई सिटी के लिए 21,780 रुपीज़ है एंड जेड सिटी के लिए 20,340 रुपीज़ है। अब यहाँ पे आपका कुछ डिडक्शन भी होता है लाइक एनपीएस सीजीएचएस सीजीईजीआईएस तो टोटल डिडक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्स वाई जेड सिटी के लिए। तो इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी स्टार्टिंग में वो 20,245 रुपीज़ होगी जब एक्स सिटी की बात करते हैं एंड वाई सिटी एंड जेड सिटी के लिए आप यहां पे देख सकते हैं। सो बेसिक पे ग्रॉस सैलरी इन हैंड सैलरी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अगर आप एसएससी एमटीएस क्वालिफाई करते हैं तो रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस के अलावा आपको कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलती है लाइक पेंशन स्कीम इसमें आपको पेंशन मिलता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए प्रमोशन की बात करते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं आपकी जो भी सैलरी है गवर्नमेंट जॉब में उसका 3% हर साल इंक्रीज होता है। यहाँ पे अगर आप पे मैट्रिक्स देखोगे तो लेवल वन की जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है एंड देन है 18,500 नेक्स्ट है 19,100 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है तो ये आपकी तो बेसिक इंक्रीमेंट होता है। प्रमोशन के लिए गाइस आपका 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हैं जिसमें आप एलडीसी पोस्ट के लिए पोस्ट किए जाते हो दैट मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं भी देते हैं तो भी लगभग 5 से 6 साल के सर्विस के बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट एलडीसी पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं बट ये डिपेंड करता है वैकेंसीज़ पे तो मैक्सिमम 10 ईयर्स भी लग सकते हैं इस प्रमोशन के लिए। एंड फर्दर एलडीसी के बाद अगेन आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके यूडीसी पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जा सकते हैं तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना होता है। सो इस तरीके से आपका एसएससी एमटीएस में करियर ग्रोथ होता है। आई होप आपको एसएससी एमटीएस का जो सैलरी है
वो डिटेल में समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी रिलेटेड टू एनी जॉब, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।